हाँ हो गया। हाँ तो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दादास जूम बैचलर लर्निंग सेशन। सो वी हैव कवर्ड ऑल 38 रेमेडीज प्लस रेस्क्यू रेमेडी प्लस ऑल 7 ग्रुप ऑफ बैचलर कॉम्बिनेशंस एंड somebody was asking me to introduce the new, बहुत सारे new members हैं and they were asking कि हमें दादा के बारे में बताओ। so even Rana sir wanted कि थोड़ा सा देखिए, नहीं introduction। नहीं कुछ मत बताना, दादा के बारे में कुछ जानने की जरूरत ठीक है नहीं है। दादा, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस जो ये आप लोग रोज पढ़ते हैं दादाज बैचलर रेमेडीज। सो हिज नेम इज डॉक्टर बिपिन कक्कर। He is basically from Jamnagar, Gujarat, and he is 68 year old. So basically, he was into his family business, but his father was an enthusiast homeopath. एक बोलते हैं ना कि एक डिग्री नहीं थी उनके पास, बट एक बहुत enthusiastic homeopath थे और बहुत अच्छे थे. As I have known from his wife and from his kids. एंड राइट फ्रॉम द एज ऑफ 9 ईयर, जब दादा 9 साल के थे तो वो अपने फादर के साथ बैठते थे और बोलते थे कि मैं दवाइयां मैं बनाऊंगा, आप मुझे बताते जाइएगा। सो इज लर्निंग ही हिमसेल्फ बीइंग जस्ट लाइक हिज फादर विद ही एंथुसियास्ट, इनकी लर्निंग 9 साल से चालू हो गई थी। एंड इनफैक्ट बाय 15 ईयर्स वो सारा टाइम देखते थे कि है ना वो कैसे पेशेंट देख रहे हैं और कैसे दवाइयां दे रहे हैं। And he got into that and he decided that someday he will become a doctor. So the rest of the things is that then he joined his father's business. Doctor ban gaye wo, or he joined his father's business being the, you know, just two brothers, elder brothers, he joined his father's business. But at the age of 40, 45, finally he decided enough is enough. The calling was ki mujhe to padhana hai aur padhna hai. So he just handed over the business to his sons. And he got into full-time homeopathy and bad flower from past 20 to 25 years. Now, this is the small history about Dada. But one important thing that I would like to tell you, which is very rare to see these days, and that is, he's a ferocious reader. Unke liye padhai, padhna, learning every day is very important. And उनका यही मानना होता है कि जो मुझे आता है वो मैं सबके साथ शेयर करूं। तो कोविड हम सबके लिए एक बहुत बड़ा यू नो एक बहुत बड़ी एक बीमारी के साथ साथ मेंटल बैलेंस भी सबका बहुत ऊपर नीचे हुआ था। बट आई रिमेम्बर वेल हिज मेनी स्टूडेंट्स एंड देन ही डिसाइडेड कि हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे और उस वक्त चार्जेस इतने चल रहे थे। बट बिलीव मी देयर आर वी हैव कवर्ड all the combinations, we have covered many homeopathy small small remedies about day to day illnesses and we have covered pure 2 baar session mein humne back class puri puri padhai kar li hai online without paying a single penny and he welcomes each and every query about back class from his students from the members and he is always ready to solve so his you know The day starts at 6 o'clock और ये starting भी यही करते हैं पढ़ाई की सुबह और इनका last message भी इनका होता है and there are days like we have 300-500 members but there are just few handful of them who are very much eager or ready to learn but that doesn't deter him his job is कि मुझे तो सिर्फ पढ़ाना है तुम लोगों को active रहना है group में तो रहो नहीं रहना है तो मत रहो So along with his, you know, long time students, favorite students, Dr. Akshita, Dr. Sonal, Dr. Mansi, Dr. Reshma, Dr. Bhumi, Dr. Malav and myself, we are lucky to be associated with him and to be his favorite students. And I would like request everyone. कि आप जितना इनसे सीख सकते हो ज्वाइन द ग्रुप और इवन यू कैन मैसेज हिम पर्सनली टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट क्लास सो दिस इज ऑल अबाउट दादा इन नटशेल
बाकी तो आप मिलेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इनसे. ही इज बेस्ड इन राजकोट एंड हिज क्लिनिक टाइमिंग्स आर इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. रेस्ट यू कैन कॉल हिम एनी टाइम एक्सेप्ट फॉर 2 to 4 इन द आफ्टरनून ऑफ कोर्स एंड आफ्टर 10:30. बट यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट हिम. ही इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द कॉल्स एंड आंसर्स वेरी प्रॉम्प्टली ऑन व्हाट्सएप. ओके, सो टूडेज रेमेडी, अगेन ही डिसाइडेड टू टेक टूडेज रेमेडी और बोल रहे थे कि ये रेमेडी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एकदम फ्री है, इसको ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है. और इसकी कमी आज की तारीख में 99% लोगों में है. और क्यों है और इसका क्या, लाइक व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द साइंस, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड हाउ कैन वी फाइट दिस. सो इट ही डिसाइडेड टू टेक द रेमेडी विटामिन डी टुडे एंड वी विल स्टार्ट विथ हिम ओनली. सो दादा मोस्ट वेलकम, और थोड़ा सा रेमेडी के बारे में आप स्टार्ट कीजिएगा. ओके, थैंक यू मैडम। रेमेडी के बारे में तो स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो विटामिन है ना, वो सब लोग अभी अभी विटामिन के पीछे भाग रहे हैं। विटामिन B12 की कमी है, डेफिशिएंसी है, विटामिन B6 कम है, 3 कम है, विटामिन डी कम है, विटामिन के कम है, विटामिन सी कम है, बट डी के अलावा बाकी के सब विटामिन हमको मेडिसिन से, फ्रूट से, हमारे फूड से मिल जाते हैं। बट विटामिन डी एक ही ऐसा है कि जो कुदरत से ही मिलता है हमें। बट अगर ऐसा देखो, अभी बहुत सारी होम्योपैथी भी कंपनियां भी विटामिन बना रही है, तो पहले के जमाने में विटामिन की कमी नहीं होती थी क्या? अभी अभी सबको होने लगी है। क्यों होने लगी है? सोचो, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ही खराब है। अब बहुत से पेशेंट को हमने देखा है, सुना है कि मैंने विटामिन B12 के इंजेक्शन इतने लिए, 6 महीने के बाद में फिर लेना पड़ेगा। फिर क्या होता है, वो इंजेक्शन लेता रहता है, रिजल्ट क्या होता है, उसकी बॉडी में जो नेचुरल विटामिन B12 बन रहा है ना, वो बनना बंद हो जाता है। तो विटामिन डी भी ऐसा ही है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, क्या करना है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये सब आप ही बताओगे। बट ये बात तो कोई नहीं. हाँ, बट मैं जो समझ रहा हूँ कि आप मानते हो कि चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, या कुछ भी हो, तो विटामिन डी की टेबलेट लेने से विटामिन डी हमें मिल जाता है। हम पूरा आंसर नहीं देंगे, गोल गोल आंसर ही देना है, वरना ये जो क्या बोलते हैं ड्रग वाले लोग हैं ना, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ड्रग कंपनी बोलिए, ड्रग मत बोलिए. हाँ, मैं मेडिसिन कंपनी वाले, सबको यस पता है क्या राइट. कैसे लोबी है, क्या है, ठीक है। यस तो दादा, अब आप स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच दादा. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज विटामिन डी. एंड विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायबिटिक और सनशाइन विटामिन. एंड वाई इट इज नोन एज सनशाइन विटामिन, बिकॉज द बॉडी, आर बॉडी हैज द एबिलिटी टू जेनरेट विटामिन डी थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज. बट इट मे नॉट बी इनफ. वाई? बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द क्लोदिंग वी वेयर, बिकॉज ऑफ द सनस्क्रीन कह सकते हैं, यूसेज ऑफ सनस्क्रीन, एंड ऑफकोर्स ओल्ड एज. इन सब फैक्टर्स की वजह से वी, आर बॉडी इज नॉट एबल टू जनरेट मच ऑफ विटामिन डी. बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाई? बिकॉज प्रोबेबली एक रीजन ये है कि इट इज एब्सोल्युटली फ्री. एंड ड्रग कंपनीज आर नॉट एबल टू, बोलते हैं ना कि दे आर नॉट एबल टू सेल दिस सनलाइट. नोबडी इज एबल टू सेल दिस सनलाइट, सो दे विल नॉट टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट. क्योंकि उसके बेनिफिट के बारे में बात किया तो उनकी दवाइयां, उनके विटामिन नहीं बिकेंगे. दिस इज वन रीजन.
And another reason you need to understand that the insufficient of vitamin D makes insufficient of calcium absorption in your body. And that calcium absorption in your body, if it is deficient, we all know that this is a building block for the bones. It helps in nerve functioning. It helps in good muscle functioning. And it supports your heart system. It also regulates your blood sugar, because if your vitamin D is deficient and the blood sugar is hammered, then you might face type 2 diabetes, or it may impair the production of insulin in the pancreas also. And it prevents cancer like prostate cancer. And even we can say that overall it is very good for good immunity. And interestingly, in 40 plus women, इससे तो एक तरह का हार्मोन भी कह देते हैं कई बार, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, इट प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ हैविंग यूट्राइन कैंसर, इट ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, डिप्रेशन, द डिक्लाइन ऑफ जो कॉग्निटिव मैनर होता है इसके अंदर, वो भी मैनेज करता है कैल्शियम. एंड लॉट ऑफ मेनोपॉजल डिप्रेशन भी आता है इसके अंदर, इवन वेट जो ओबेसिटी हो जाती है ड्यू टू मेनोपॉज. एंड व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज दिस वाइटमिन डी इज सपोज टू बी सेट लाइक इट एक्ट्स लाइक अ हार्मोन. एंड व्हाई इट एक्ट्स लाइक अ हार्मोन, बिकॉज इट रेगुलेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड. सो इट मेनोपॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट. सबसे पहले जैसे ही पेशेंट्स आते हैं तो दादा सबसे पहले बोलते हैं कि कोई भी टेस्ट कराने से पहले एक बार चेक करिए कि विटामिन का क्या हाल है बॉडी के अंदर, क्योंकि मेनी अ टाइम इवन इट इज मिसडायग्नोज विद फाइब्रोमायल्जिया, और वो हम आगे देखेंगे कि व्हाई इट हैपेंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड, एक क्लोजर टू ट्रूथ इनसाइट दिया है डॉक्टर माइकल हॉलिक ने. सो एज माइकल हॉलिक सेज एंड एज इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड बाय डॉक्टर माइकल हॉलिक, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद पॉइंट बाय पॉइंट. तो ही सेज की जो द रेज ऑफ सनलाइट, जो रेज होती है सनलाइट की विच जनरेट द विटामिन डी, दे कैनॉट पेनिट्रेट द ग्लास. सो इफ यू आर सिटिंग इन योर होम और इफ यू आर सिटिंग इन योर कार, कई बार होता है ना कि हम घर के अंदर बैठते हैं और सोचते हैं धूप आ रही है ग्लास से, सो वी आर गेटिंग दैट विटामिन डी. नो, ट्रस्ट मी, द अल्ट्रावायलेट रेज, दे कैनॉट पेनिट्रेट द ग्लास. सो दिस इज वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, that ultraviolet rays, they cannot penetrate through glass, that sunlight which is needed by our body. Hence, when we say that the pollution hai, clothing hai, so it is important to understand those first rays in the morning, jo subah ki dhoop hoti hai, us waqt agar aap outdoor exercises karte hain ya walk lete hain, or you should sit in the sunlight, that is the best time to generate that little vitamin D which is needed. बहुत ज्यादा भी अगर आप बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बॉडी को जितना, स्किन को जितना विटामिन डी जनरेट करके रेगुलेट करना है, इट विल टेक ओनली दैट मच. नाउ सेकंड पॉइंट एज ही सजेस्टेड इज दैट इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू गेट विटामिन डी फ्रॉम योर डाइट. एंड ही हैज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड द 10 ग्लासेस, बिग ग्लासेस ऑफ मिल्क विच इज फोर्टिफाइड बाय विटामिन डी कैन ओनली जनरेट दिस मच ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी. सो यू इमेजिन हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज एंड हाउ फ्री दिस इज, विटामिन डी इज हाउ फ्री. स्टिल वी लैक दिस विटामिन डी इन आवर बॉडी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, एज आई हैव ऑलरेडी सेड. अनदर रीजन इज दैट कि फादर यू लिव फ्रॉम द इक्वेटर, हम जितना इक्वेटर से दूर रहेंगे उतना बॉडी को एक्सपोज होना ज्यादा जरूरी है सनलाइट से. वी नीड मोर ऑफ सनलाइट. और आप इक्वेटर के पास में रहेंगे तो दोज पीपल हैव लेस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. एंड पीपल हु आर लिविंग फार फ्रॉम इक्वेटर लाइक यूके, यूनाइटेड किंगडम है, कैनेडा है, यूएसए है, दोज पीपल नीड मोर सनलाइट, मोर एक्सपोजर टू सनलाइट टू जनरेट दैट काइंड ऑफ विटामिन डी इन दैट बॉडी. अनदर थिंग इज दैट ब्लैक मैन, जो अब इसको तो ब्लैक मैन ही बोला जाएगा, जो डार्कर स्किन वाले होते हैं, या तो हम ऐसे बोल सकें दोज पीपल हु आर ऑफ डार्कर स्किन, दे नीड मोर एक्सपोजर टू सनलाइट कंपेयर टू पीपल हु आर फेयर फेयर इन स्किन. एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन द डार्कर स्किन मेन दे सफर फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर मोर, बिकॉज अगेन ओइंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, राइट.
अगेन आई कैन से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन, आई जस्ट रिमेम्बर्ड वन थिंग दैट वीक सनस्क्रीन, जो सनस्क्रीन होता है वीक, इवन एज वीक एज SPF 8 या 10, इट ब्लॉक्स व्हाट इट ब्लॉक्स द बॉडीज एबिलिटी टू जनरेट दैट विटामिन डी. सो यू सी दैट क्रॉनिक डेफिशिएंसी जो क्रिएट करती है डिजीजेस हमारी बॉडी में, नो ड्रग कंपनी विल टॉक अबाउट दैट, दे विल नेवर टॉक अबाउट दैट बिकॉज इट विल लोअर देयर सेल. सो दैट इज वन थिंग इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट व्हेन यू आर यूजिंग SPF 30 50, जब इतना यूज करते हैं आप, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट मॉर्निंग सनशाइन आप लें सो दैट विटामिन डी इज नॉट लेस. अफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड इंडिया में और कई जगह बहुत तेज धूप होती है, गुजरात में राजस्थान में बहुत तेज धूप होती है, सो आइदर यू वेयर फुल क्लोथ रादर देन यूजिंग सनस्क्रीन. यू कैन ऑलवेज वेयर फुल क्लोथ, यू कैन वेयर हैट, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू रिमेम्बर कि हमें पूरा टाइम ही अपने आप को ढक के नहीं रखना है बिकॉज वी वोंट बी एबल टू जनरेट विटामिन डी, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैल्शियम टू बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. विच आई एम कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट दैट एनी कैल्शियम सप्लीमेंट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन योर इंटेस्टाइन इफ विटामिन डी इज डेफिशियंट. तो आप कितने भी सप्लीमेंट लेते रहें, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो वो वेस्टेज है आपकी बॉडी के अंदर, दैट कैल्शियम सप्लीमेंट इज एब्सोल्यूट वेस्टेज इन योर बॉडी. एंड अगेन आई वुड से दैट क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी, इट टेक्स मंथ्स टू बिल्ड अप दैट अगेन गुड बोन सिस्टम एंड मसल सिस्टम. तो अगर आपको एक एज आने के बाद नर्व प्रॉब्लम हो रही है, मसल प्रॉब्लम हो रही है, बोन प्रॉब्लम हो रही है, बोन डेंसिटी प्रॉब्लम हो रही है, देर हैज टू बी सम कनेक्शन. अफकोर्स विद द एज आई कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल हैपन्स, डीजनरेशन ऑफ द बॉडी हैपन्स, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड आई द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वाइटामिन डी की प्रॉब्लम है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आर फूड दैट वी आर ईटिंग, विच इज ऑल बोलते हैं ना पूरा भरा हुआ है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ है. ओके सो नेक्स्ट इज लाइक ही सेड डॉक्टर माइकल हॉलिक, ही अफकोर्स ही सेड कि बॉडी जेनरेट उतना ही करेगी जितना उसको जरूरत है विटामिन डी. सो इफ यू टेक लॉट ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंट, इट्स अगेन अ वेस्टेज, क्योंकि जो थोड़ी सी जरूरत है उतना ही बॉडी को चाहिए, तो उतना तो आप बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फ्री सनलाइट विच इज ऑलवेज अवेलेबल, राइट? एंड डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो कॉज एस्थमा, एंड इफ यू आर हैविंग दैट किडनी एंड लिवर डैमेजेस, दैट मीन्स दैट विटामिन इज अगेन विटामिन डी इज नॉट सर्कुलेटेड प्रॉपरली इन योर बॉडी, राइट? सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट पावरफुल हीलिंग केमिकल जो है, विच इज एब्जॉर्ब्ड और विच इज एब्सोल्युटली फ्री बाय नेचर टू अस, यू स्टिल वी आर फेसिंग दोज प्रॉब्लम. सो विच इज दैट एंटी ऑक्सीडेंट विच इज वेरी क्लोजर टू दैट इन सुपर फूड दैट वी कैन गेट. सो दोज सुपर फूड्स कैन बी एवोकाडोस, अकाई, ब्लूबेरीज, पॉमीग्रेनेट, ऑरेंजेस, स्पिनेच, सिसमी जिसे हम तिल बोलते हैं, मशरूम्स हैं, सो देर मेनी. बट अगेन द स्टेप सेज कि इफ यू आर ईटिंग पैक्ड फूड, इफ यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली ग्रोन वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट, यू आर अगेन फॉलिंग सिक, यू आर फ्रीक्वेंटली फॉलिंग सिक, एंड फ्रीक्वेंटली फॉलिंग सिक मीन्स अगेन देर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम एंड वाइटामिन डी एंड B12 इन योर बॉडी. सो आर लाइफ स्टाइल नीड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिसिप्लिन. इफ यू हैव अ डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, ट्रस्ट मी, योर मेंटल कंडीशन, योर मेंटल हेल्थ इज मच बेटर. इफ योर मेंटल हेल्थ इज मच बेटर, यू आर फिजिकली ऑलमोस्ट फिट. सो नाउ द साइंस, अब हमें ये होता है कि कई बार पेशेंट्स आते हैं दादा के पास और ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है. तो दादा कई बार बोलते हैं देर आर साइंस एंड सिम्टम्स लाइक वीकनेस है, लेथार्जिकनेस है, इफ यू फील वेरी टायर्ड, बोन वीक है या बोन डेंसिटी वीक कैसे होती है कि बार बार आपके बोन्स दुख रहे हैं या फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर हो रहा है या मसल एक है या मसल पेन है, एट द सेम टाइम आपका कंटिन्यूस वेट गेन हो रहा है, आप फ्रीक्वेंटली सिक हो रहे हैं एंड यू आर फेसिंग लो इम्यूनिटी, डायबिटीज है, आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेल स्किन है, आपके डार्क सर्कल्स हैं,
एक्सेस ऑफ स्वेटिंग, ये फ्यू रीजंस हैं आपके बताने के कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस है इन सारे विटामिन्स की, कैल्शियम की, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी के अंदर. तो इफ यू फाइंड दीज लिटिल लिटिल सिम्टम्स साइंस इन योर बॉडी, डू नॉट ओवरलुक देम. काइंडली सी योर डॉक्टर, काइंडली सी योर फैमिली फिजिशियन. एंड ही ऑलवेज सेज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फैमिली फिजिशियन. पहले के जमाने में कैसा होता था कि हर फैमिली का एक डॉक्टर होता, फैमिली डॉक्टर बोला जाता था उसको. तो ही वॉज अ फैमिली फिजिशियन. और वो क्यों इंपॉर्टेंट होते थे फैमिली फिजिशियंस? बिकॉज उनको उस फैमिली के बारे में, उस पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में पूरा पता होता था कि इसके घर में क्या चल रहा है, इसकी मेंटल कंडीशन क्या है. तो वो फैमिली डॉक्टर वॉज होल एंड सोल एवरीथिंग ऑफ दैट फैमिली. और उसकी कोई भी दवाई होती थी वो फट से लग जाती थी. क्यों लगती थी? क्योंकि उसको उस इंसान की फैमिली के बारे में, उस इंसान की मेंटल कंडीशन के बारे में पूरा पता होता था. नाउ ऑफकोर्स वी आर रनिंग आफ्टर स्पेशलिस्ट, जो कि अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट डिनाइंग दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फॉर एवरी डे टू डे सिम्टम्स, फॉर एवरी डे टू डे लिटिल लिटिल थिंग्स, यू ऑलवेज नीड टू हैव वन फैमिली डॉक्टर. Right, so we go back to vitamin D because in between I have this habit coming from dada and of course from my father, to explain it very organically, to explain things very organically. So now the diseases which a person can face due to the deficiency of vitamin D or even the calcium, because the calcium is again said that it is only absorbed if the vitamin D is sufficient in your body. So the first and foremost disease that a person faces is osteoporosis. Again, why? Because it prevents the absorption of calcium. Then people face, you can, of course, you can face this thing or you can prevent it. Prostate cancer, uterine cancer, as I said, breast cancer, and even ovarian cancer. तो ओबेसिटी हमने देख लिया, हमने ऑस्टियोपोरोसिस देख लिया, हमने कैंसर देख लिया, इवन कोलोन कैंसर, राइट? एंड देन देयर इज रिकेट्स, व्हिच इज अ बोन वेस्टिंग डिजीज, व्हिच वी ऑल नो दैट दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट विटामिन डी इज अ वर्ल्ड वाइड नोन ट्रीटमेंट फॉर सोरायसिस. आपने कभी नोट किया होगा जिस जो पेशेंट होता है ना सोराइसिस वाला, वो अक्सर बोलता है कि गर्मियों में उसकी तकलीफ थोड़ी सॉल्व हो जाती है, सर्दियों में बहुत बढ़ जाती है. तो अगेन विटामिन डी, जो सनलाइट आती है गर्मियों में, जो थोड़ी धूप रहती है, जो गर्माहट रहती है, उससे वो सोराइसिस वाले पेशेंट को काफी आराम मिलता है. तो ये तो ऑटोमेटिकली समझने वाली बात है कि जो चीज इतनी फ्री है हमारे इधर, सो वाई नॉट एब्जॉर्ब इट, वाई नॉट टेक इट, वाई नॉट ट्रीट योर ओन सेल्फ, वाई नॉट अंडरस्टैंड योर लाइफ स्टाइल, वाई नॉट ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. बिकॉज एज ही ऑलवेज सेज दैट द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज इन योर हैंड. इफ योर मेंटल हेल्थ इज एब्सोल्युटली फाइन, तो आपकी जो छोटी मोटी फिजिकल बीमारियां हैं वो ऑफकोर्स आपसे बहुत दूर रहेंगी. देन अगेन एट टाइम्स एज आई सेड दैट फाइब्रोमायल्जिया मिसडायग्नोज होता है. क्यों? क्योंकि इवन क्रॉनिक विटामिन डी के अंदर यू फाइंड मसल पेन, मसल एकनेस. तो ये सारी चीजें जो आपको फाइब्रोमायल्जिया में भी दिखती है, वो आपको माई विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी दिखेंगी. तो इट माइट बी मिसडायग्नोस्ड आल्सो. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो ओवरलैप भी कर सकती हैं डिजीजेस, राइट? इन द सिमिलर मैनर, सो द रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर एंड डायबिटीज, you can definitely, it is 99%, it is in your hand to prevent, especially diabetes. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्टर पे चलते हैं. दैट इंटरेस्टिंग फैक्टर, ऑफकोर्स ये मुझे कल ही थोड़ा दादा से रात को, बिकॉज एवरी नाइट ही इज टेकिंग आवर क्लास, तो कल बात कर रहे थे तो मैंने दादा से बोला था कि दादा ये तो हमारे योगा में भी बोला जाता है. तो बोल रहे थे कि बिल्कुल ये पंचकर्मा थेरेपी के अंदर बोला गया, जो वमन विरेचन और भस्ति होती है, तो ये जो तीनों होती है पंचकर्मा की थेरेपी, इट हेल्प टू इम्प्रूव योर अग्नि. दैट मीन्स इट स्ट्रेंथन्स योर डाइजेशन, एंड इफ योर डाइजेशन इज स्ट्रेंथन, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी इन योर बॉडी. तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तो हमारे पुराने टाइम से चलता आ रहा है, राइट? और फिर इन्होंने एक बहुत मजेदार चीज बोली कि जो ये स्टीम थेरेपी देते हैं,
या हम कई बार बोलते हैं ना कि स्टीम ले लो, इनहेल कर लो, या आजकल तो हर जगह क्या बोलते हैं, क्लब्स व्लब्स में भी होती है स्टीम थेरेपी। छोटे इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के पोर्स खुल जाते हैं एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बिकम्स वेरी इजी। और एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इजी हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू विटामिन डी एंड रेगुलेट इट इन योर बॉडी वेरी इजीली। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट यू नो इनसाइट ओनली फ्रॉम दादा विच आई विल टेल यू। सो आर नेवल हैज 72,000 नर्व एंडिंग्स। तो ये जो नर्व हमारी पूरी बॉडी में घूमती है, इसको ऑयलिंग करना, इसका ध्यान रखना, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बराबर रखना, वो भी आपके हाथ में है बहुत इजीली। सो इफ यू पुट 2 to 3 drops ऑफ वार्म काउ घी एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग इन योर नेवल, या अगर काउ घी नहीं होता है तो सरसों का तेल या तिल्ली का तेल, अगर वार्म करके अगर हम अपनी नाभि के अंदर डाल दें, नेवल के अंदर डाल दें, ट्रस्ट मी यू कैन यू नो यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम हैविंग मेनी स्मॉलर स्मॉलर डिजीजेस। जस्ट इमेजिन नाभि के अंदर से 72,000 नर्व एंडिंग्स। मतलब दिस इज, ये एक नेचर है जो, मतलब ये इतना मिरेकुलस थिंग है कि हमें सोचने में भी थोड़ी तकलीफ होती है कि यार इतनी छोटी सी नाभि में से भी 72,000 नर्व एंडिंग्स, हाउ इज इट पॉसिबल? सो एवरीथिंग इज एक्चुअली पॉसिबल। नेचर इज सो मिरेकुलस, इट इज सो मैजिकल। सो इफ यू बिलीव इन नेचर वे ऑफ हीलिंग, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टे मेंटली एंड फिजिकली वेरी स्ट्रांग। और कल इन्होंने मेरे को रात को एक कैल्शियम के बारे में बहुत अच्छी चीज बताई थी, विच ही कीप्स ऑन शेयरिंग विथ मी, एंड आई वुड ऑफकोर्स डेफिनेटली लाइक टू शेयर यू, क्योंकि शायद ये भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी। आई वुड जस्ट टॉकिंग टू हिम, बोले कि अब आप भी पोस्ट मेनोपॉज में पहुंच गए हो, तो अब एक चीज का ध्यान रखो। कई बार क्या होता है, आज की जनरेशन को दूध सूट नहीं होता है, बिकॉज वी आर गेटिंग दैट पैकेट मिल्क जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, और कैसा मिल्क होता है, कितने काउस को और बफेलोस को इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ही सेज कि जब दूध जमाते हो उसके अंदर जो चूना आता है, पान के ऊपर जो चूना लगाते हैं, थोड़ा सा चूना उस, यस दादा, ओके बैक टू दादा। नहीं, आप बोलो। सिर्फ बताया है ये पान तंबाकू में खाने का चूना है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इसकी प्राइस है ओनली 50 पैसे। ये खाने वाला यस चूना है। हाँ, दादा, आप आगे बढ़ो। यस। सो इफ यू ऐड दैट लिटिल चूना, दैट लिटिल कैल्शियम इन योर वॉर्म मिल्क, उसको जमाने के लिए, सो यू गेट दैट फोर्टिफाइड मिल्क, यू गेट दैट फोर्टिफाइड कर्ड जिसके अंदर ऑलरेडी कैल्शियम है। सो दीज आर लिटिल लिटिल थिंग्स, दीज आर ऑर्गेनिक थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर योर नॉलेज। सो आई गेस दिस वॉज ऑल फ्रॉम आर साइड ऑन वाइटामिन डी, एंड इफ एनी बडी वॉन्ट्स टू शेयर एनी इनसाइट अबाउट वाइटामिन डी और देयर एक्सपीरियंस, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम ऑन बोर्ड। सो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, और किसी को कुछ शेयर करना है तो मोस्ट वेलकम। मैडम अदरवाइज मैडम वी ऑल मैडम विल, यस दादा, मैडम यस दादा, हमारे अब के जमाने में तो कोई नहीं होता। हमारे जमाने में थे कि हमारी जो दादी होती है ना, हाँ दादा, मतलब जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, तो छोटे बच्चे को मालिश करने का काम करती है दादी। क्या करती है, मॉर्निंग में जब बच्चा फीडिंग करने के लिए उठता है, उससे पहले वो दादी उसको छत पे ले जाती है। छत पे ले जाके तिल के तेल का मालिश करती है। छत पे क्यों ले जाती है, वो टाइम सनराइज का होता है, उतनी धूप में गर्मी नहीं होती, फिर भी सूर्य की किरणें मिलती रहती है। तिल का तेल जो है वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में। इसके साथ क्या हुआ, सनराइज सूर्य की किरणें, तो वो टाइम के जो बच्चे थे उसमें विटामिन डी की कमी आपको नहीं मिलेगी। फिर एग्जैक्टली दादा, मैंने एब्सोल्युटली, मैंने अपनी माँ को भी देखा है, मेरे बेटे को मालिश करते हुए। बट मैंने क्या चेंज करवाया था कि तिल के तेल की जगह से मैंने होम्योपैथी का बेबी ऑयल दे दिया था।
कि आप इससे मालिश करोगे, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने ऐसे बोतल दिखा रहा हूं कि मैं किसी कंपनी का माउथ बनना नहीं चाहता, बट होम्योपैथी के बेबी ऑयल का रिजल्ट अच्छा है, चलने में या बॉडी डेवलप होने में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हाँ दादा, वो और तो किसी भी आजकल तेल की, से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ, और सनलाइट आनी चाहिए। आज की बहुएं तो मानती नहीं है कि भाई मालिश करवाओ, ये करवाओ, बोलती है ये सब क्या है, छोड़ो ये पुरानी बातें को, और भुगत रहे हैं हमारे बच्चे। हम अपनी जो पुरानी बातें हैं ना, चाहे यूनानी हो चाहे आयुर्वेद हो, उससे दूर चले गए हैं। तभी यस तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन ई नहीं है, विटामिन सी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम कुदरत से दूर जा चुके हैं। अब जो मेगा सिटी में रहते हैं, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 50 मंजिला, उसको सूर्य की किरणें कहाँ से मिलेगी? लाइट मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी बस दादा, मैंने उसको। यही चीज ये, कही थी कि हाँ, आप उसको तेल उसको अल्ट्रा ये वॉयलेट तेल विटामिन डी इस्तेमाल की कर सकती हूँ। डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। एब्सोल्युटली ठीक है, जो इसीलिए मेरा फर्स्ट आयुर्वेद की सेंटेंस था टेबलेट, वो। हाँ, आयुर्वेद की टेबलेट है, होम्योपैथी की टेबलेट है, वो सपोर्ट करती है विटामिन डी के लिए, बट सूर्य की किरणें तो जरूरी ही है। दादा, एक बहुत और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये खत्म हो जाएगा तो उससे पहले गुलनाज ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है कि पहला तो उनका था कि कितना चूना, जो कि मैंने भी कल ये सवाल आपसे किया था कि कितना चूना यूज करना है दूध जमाने के अंदर, एक तो वो बता दीजिएगा। और गुलनाज ये भी पूछ रही है कि उसने कहीं पढ़ा है कि ऑयल प्रिवेंट द पेनिट्रेशन ऑफ वाइटामिन डी। पहली पहली चीज का आप दीजिए जवाब और दूसरी चीज का भी दीजिए, फिर मैं भी बताती हूँ। अच्छा, पहली चीज का, तो जो हाँ आपके पास ये पुड़िया है ना चूने की, पान पाके में खाने वाला चूना, तो अगर आपके पास 500 ml या 1 लीटर दूध जमाना है ना, तो उसमें ये पूरा डाल दो आप। दादा, अगर ये ऐसे नहीं, नहीं समझ पाएंगे तो आप वो वैसे समझा दीजिएगा कि जस्ट 1 ग्राम इज इनफ। हाँ, अबाउट इतना ही, यस क्योंकि राइट दही दही जो है, क्या वो क्या है, टोटली बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया डेवलप उसमें होता है ना, तभी तो दही बनता है। अब हम गलती क्या करते हैं, दही के साथ में सॉल्ट डाल के खाते हैं, तो जो हमारी बॉडी के लिए हेल्प करने वाले बैक्टीरिया है ना, वो